अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक प्रोडक्ट का रिव्यू लेकर आई हूँ। एक्चुअली तकरीबन कोई 2 से 3 हफ्ते पहले मैंने आप लोगों के साथ एक शॉपिंग हॉल शेयर किया था, जिसमें मैंने कुछ प्रोडक्ट्स ख़रीदी थी और वो मींस रीज़नेबल और मींस प्राइस वाइज भी रीज़नेबल थी और क्वालिटी वाइज भी, तो उसका मैंने हॉल शेयर किया था। तो मुझे उसके बारे में बहुत सारे क्वेरीज भी आ रही थी, बहुत सारे लोगों ने जो है उसका रिव्यू देने के लिए भी बोला था। तो मुझे था कि चलें मैं आज आप लोगों के साथ एक प्रोडक्ट का रिव्यू कर लेती हूँ, क्योंकि उससे यूज़ करते हुए मुझे तकरीबन कोई 2 हफ्ते हो गए हैं। तो प्रोडक्ट कौन सी है जी? प्रोडक्ट है हिमानी की सैंडल एंटी रिंकल फोमिंग फेस वॉश। ये मैंने ख़रीदी थी। ये ड्रग स्टोर प्रोडक्ट है, बड़े आराम से आपको ड्रग स्टोर पे मिल जाएगी और बहुत आसान रीज़नेबल के लिए बहुत सस्ती है। आई थिंक ये 350 रुपये की मैंने ख़रीदी थी। एग्जैक्ट प्राइस हाँ 350 रुपये की थी और इससे महंगी ये नहीं थी। और कैसी है, क्या है, सारा बताऊंगी। पहले तो इसकी पैकेजिंग देख लें, बहुत अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है। अगर 350 रुपये भी है तो इट्स वेरी लाइक आप कह सकते हैं कि इतनी अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट है, आपको बिल्कुल यकीन नहीं आएगा कि 350 रुपये की बनी हुई है। एक्सपायरी जो है इसकी, ये मैन्युफैक्चर हुआ था 2019 में और एक्सपायरी है इसकी 2022। पैकेजिंग अच्छी है और जिस चीज़ के लिए मैंने लिया था वो ये चीज़ है, आपको नज़र आ रहा होगा। ये इसके जो है ना, ये एक सिलिकॉन का लगा हुआ है जिससे आप, इट्स लाइक अ ब्रश और ये फेस पे यूज़ होता है और बहुत ही सॉफ्ट किस्म का है। तो मैं ज़रा थोड़ा सा इसका फर्स्ट इंप्रेशन बताऊं कि किस तरह का। जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम, आप इसको यूज़ कैसे करते हैं, फेस को थोड़ा सा आपने गीला किया और उसके बाद इस जगह को आपने प्रेस करना होता है, तो इसमें से एक फोम निकलती है, ये देख सकते हैं फोम। फोम निकलने के बाद जो है ना, आप इसको अपने हाथ पे अच्छी, नॉट हाथ पे, फेस पे अच्छी तरह से जो है ना मसाज करते हैं। मैं क्या करती हूँ कि मैं एक साइड पे, जैसे गाल पे निकाला और उसी साइड के गाल को अच्छी तरह से तकरीबन कोई 30 से 40 सेकंड तक मैं इस तरह से सर्कल्स में करती रहती हूँ, और उसके बाद दूसरी साइड, और उसके बाद जो है वो मैं फेस, मीन्स जो मेरा फुल फेस होता है, नोज़ एरिया ये वो। तो फेस वॉश करने में मुझे तकरीबन कोई लग जाते हैं 2 मिनट लग जाते हैं। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि ये फील बहुत अच्छा होता है जब आप इसको यूज़ कर रहे होते हैं, बहुत अच्छी फीलिंग आती है, क्योंकि ये आपके फेस के हर, यू कैन से के कोने कुदरे को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर देते। सॉरी, मैं इसको ज़रा थोड़ा क्लीन कर दूँ। हाँ जी, तो मैंने इसको वाइप ऑफ कर दिया। अच्छा, ये अच्छी तरह से मेरे फेस के जो नोज़ एरियाज़ होते हैं और बड़ा आई, अंडर आई एरियाज़ को भी बहुत ही अच्छे तरीके से, मींस जेंटल होता है। आप ये मत सोचिएगा कि ये जो इस पे ये सिलिकॉन का ब्रश बना हुआ है ये थोड़ा सा हार्श होगा आपकी अंडर आई एरिया में, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूज़ करने के लिए तो मैं इसको जो है ना, लाइक इसकी, इस ब्रश की वजह से, जिसकी वजह से मैंने इसको ख़रीदा था, आई विल गिव इट 9 out of 10, क्योंकि बहुत अच्छे से क्लीन करता है फेस को, नो डाउट अबाउट इट। जब आप अपने फेस पे इसको लगा लेते हैं, उसके बाद आप अपने वॉश कर लें फेस को, सिंपली जैसे हम वॉश करते हैं उस तरह आपने अच्छी तरह से फेस को वॉश कर लिया। अच्छा, अब इसकी खुशबू ऐसे मज़े की खुशबू है, जैसे लाइक मेरे पास ऐसे वर्ड्स नहीं, यहाँ सैंडल वाली जो वुड वाली खुशबू है वो हल्की सी इसमें से आती है। बहुत तेज़ खुशबू नहीं है और बहुत अजीब सी खुशबू नहीं है, अच्छी खुशबू है। जब आप फेस वॉश कर लेते हैं तो आपको अच्छा फील होता है इसे यूज़ करने के बाद। अब आते हैं इसके जो ऊपर लिखा हुआ है कि ये किस चीज़ के लिए है, सैंडल एंटी रिंकल फोमिंग फेस वॉश। तो एंटी रिंकल वाला तो इसने कोई काम नहीं किया, ठीक है ना। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसे यूज़ करने के बाद आपकी रिंकल्स गायब हो जाएंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मीन्स 2-3 हफ्ते मैंने इसको यूज़ किया है तो मुझे कोई ऐसा इम्प्रूवमेंट फेस में नहीं नज़र आई। तो अगर आप लोग, कुछ लोग हैं कि सोच रहे होंगे कि इसे लेने के बाद हमारी रिंकल्स वाइप ऑफ हो जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि इतनी, मीन्स कम प्राइस में आपको कोई प्रोडक्ट इतना बड़ा काम करके देगा, क्योंकि वो उसके लिए तो इतनी महंगी प्रोडक्ट्स होती हैं और इतने महंगे आई क्रीम्स होते हैं, इतने महंगे फेस क्रीम्स होते हैं। तो अगर इतनी सस्ती कोई चीज़ इतना काम कर सकती, क्योंकि मैंने यूज़ किया तो मुझे तो कोई ऐसा
एंटी रिंकल वाइज इसकी कोई क्वालिटी नज़र नहीं आई। देखिए मैं सच बता रही हूँ और बाकी ये है कि आपकी मर्जी है, अगर आप लोग लेना चाहते हैं एंटी रिंकल के लिए लेना चाहते हो तो आई एम नॉट गोइंग टू रेकमेंड। हाँ, फेस वॉशिंग के लिए लेना चाहते हैं तो एंटी रिंकल को आप साइड पे रख दें। फेस वॉश इट्स नॉट बैड, फेस वॉश के लिए बहुत अच्छा है, बहुत रीजनेबल है। सोचिए प्राइस बहुत कम है और सबसे अच्छी बात यह कि फेस बहुत अच्छा साफ करता है। मींस अगर आप डेली बेसिस पे इसको यूज़ करते हैं तो आपकी फेस से जो देखिए मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि हम अपने फेस को जब वॉश करते हैं तो वो डेड स्किन नहीं हटती। इससे यूज़ करने के बाद डेड स्किन हटेगी, डेड स्किन हटेगी इस तरह क्योंकि ये जो ब्रश है इट वर्क्स। इसको अभी मैं वॉश कर लूँगी, अभी तो खैर मैंने वाइप ऑफ कर दी अपने हाथ को, लेकिन मैं इसको जब यूज़ कर लेती हूँ मैं इसको इस बड़े आराम से इसको धो लें, कोई प्रोडक्ट नहीं निकलेगी धो के आपने दोबारा ये कैप इसके ऊपर चढ़ा दी। तो यूजेज बहुत ज़बरदस्त है, सिर्फ इस ब्रश के लिए मैं इसको 9 out of 10 दे रही हूँ और फेस क्लीन कर देता है। मैंने तो बीच में एक आध बार ये भी किया है कि अपने फेस पे अपना नॉर्मल फेस वॉश लगा के फिर उसके बाद इस ब्रश से उसको अच्छी तरह से रब किया है तो मुझे फील हुआ है कि इसने मुझे डबल रिजल्ट दिए। तो इसका एक तो ये कि इसमें प्रोडक्ट की क्वांटिटी है 150 ml, जो कि अच्छे खासा आपका एक महीना तो बड़े आराम से गुजार देगा। जब ये खाली हो जाएगी ना बॉटल तो आपने अगर कोई भी फेस वॉश लिया है ना तो वो आप अपने फेस पे लगाएं और इस ब्रश को यूज़ कर लें, इट विल वर्क लाइक डबल कर देगा क्लीनलीनेस आपके फेस की, साफ कर देगा आपके फेस को। सो रेकमेंड कर रही हूँ मैं फॉर क्लीनिंग फेस, लेकिन एंटी रिंकल के लिए प्लीज़ आप लोग मत लिएगा क्योंकि फिर बाद में मुझे मैसेजेस आते हैं कि हमने लिया वो हमें काम नहीं कर रहा था। तो एंड मैं आप लोगों को जो ऑनेस्ट रिव्यू है वो दे रही हूँ, ये एंटी रिंकल पे मेरे तो कोई काम नहीं किया क्योंकि आई के नीचे मेरे एक आध दो लाइनें हैं तो वो मुझे तो मैं तो क्रीम्स वगैरह लगाती हूँ, इससे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसलिए मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ इट्स नॉट गोना वर्क ऑन अंडर आई लाइन्स और एंटी रिंकल इस तरह का कुछ नहीं, लेकिन इट इज़ वर्थ बाइंग अगर प्राइस देखी जाए और क्वांटिटी देखी जाए। खुशबू भी अच्छी है, साफ भी कर देता है फेस को और सबसे अच्छी बात यह है कि ये ब्रश जो है ना, बिलीव मी इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग, ब्लेसिंग है। इवन मेरा बॉडी शॉप का फेस वॉश है मैं वो लगा के इसको फिर यूज़ करती हूँ और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। सो हाईली रिकमेंडेड, बट प्लीज़ डोंट थिंक अभी इसको मैं वॉश कर लूँगी, डोंट वरी, बट डोंट थिंक ये आपके जो है ना एंटी रिंकल पे काम करेगा, इट्स नॉट गोना वर्क ऑन योर एंटी रिंकल क्योंकि ये एंटी रिंकल के लिए फ्रेंकली स्पीकिंग है ही नहीं, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क ऑन योर एंटी रिंकल। सो प्लीज़ डोंट गो फॉर एंटी रिंकल। हाँ, फेस वॉश साफ कर देगा, नीट कर देगा, क्लीन कर देगा। सो दिस इज़ द प्रोडक्ट, आप जाएँ आप लोग ज़रूर खरीदें और आप लोग को अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बट साफ होगा फेस, ठीक है, इससे साफ होगा। आई एम हाईली रिकमेंडिंग यू एंड आई एम गोइंग टू यूज इट। और एज वाइज ये है कि आप जब ये एंटी रिंकल है ही नहीं तो साफ कर देता है फेस को, इस पर तो शायद लिखा हुआ है फॉर वाइटनिंग एक्टिव विद वाइटनिंग एक्टिव्स, ये है कि थोड़ा सा, हाँ आप जब इसको फेस वॉश करेंगे तो थोड़ा सा आपको फील होगा, जैसे अब मैंने अपने दोनों हाथों में से इस पर लगाया तो आपको थोड़ा सा हाथ देख रहे हैं सफ़ेद फील हो रहा है, तो आप देख सकते हैं तो थोड़ा सा इससे अफेक्ट पड़ता है थोड़ा सा फेस, क्योंकि डेड स्किन रिमूव कर देगा ना तो आपकी नई नीचे वाली फ्रेश जो स्किन होती है वो ऊपर खिल के आ जाती है। हाँ, वाइटनिंग इफेक्ट, सॉरी मैं ये बताना भूल गई थी, तो ये इट वर्क्स ऑन इट क्योंकि मेरे दोनों हाथों में आप लोगों ने फर्क देख लिया, लेकिन रिंकल के लिए मैं नहीं रेकमेंड करती एंड इट इज़ फॉर ऑल स्किन टाइप। मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है, इट वर्क्स ऑन मी, आपकी ड्राई स्किन है, इट वर्क्स ऑन यू, आपकी ऑयली स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, तो इट वर्क्स ऑन यू, अच्छी प्रोडक्ट है। ये जैसे इस पर लिखा हुआ है ना, इनहेंस रिड्यूसेस रिंकल एंड इनहेंसेस स्किन ब्राइटनेस, तो हाफ पे तो मैं एग्री करती हूँ, हाफ पे नहीं करती। सो प्लीज़ जो आप सोच रहे हैं तो वो आप उसके लिए मत जाए, लेकिन ब्राइट करेगा। सबसे अच्छी बात ये कि इसकी प्राइस बहुत कम है, बहुत रीजनेबल प्रोडक्ट है और बिलीव मी आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। जो 350 rupees आजकल कुछ भी नहीं है, मीन्स पूरे महीने, बल्कि आप सोचें ये आपके महीने से ज़्यादा आपका फेस वॉश क्लीन कर सकता है, मीन्स दो महीने तो बड़े आराम से करेगा, नॉट 1 month 2 months, तो उसमें तो 150 समझे आप, इस एक प्रोडक्ट की प्राइस आपको लगेगी मीन्स एक महीने के लिए। सो हाईली रिकमेंडेड, ज़रूर जाके ख़रीदिएगा, इसकी आप शक्ल देख लें कि हाउ इट लुक्स, हाउ द ब्रश लुक्स और क्वालिटी इज़ वेरी गुड। सो ये था मेरा आज का रिव्यू, उम्मीद है कि आप लोगों को इसके बारे में काफ़ी डिटेल पता चल गई होगी। रिकमेंडेड है, प्लीज़ जाके ख़रीदिएगा। सो सी यू इंशाल्लाह ताला इन माई नेक्स्ट लाइक
कमिंग इंशाल्लाह एक दो दिनों में मैं आप लोगों को और भी इसकी प्रोडक्ट्स के रिव्यू दूंगी। आप लोग मीन्स नीचे जो है ना कमेंट बॉक्स में लिख लें आप लोग किस किस चीज़ के रिव्यू चाहते हैं, तो वो प्रोडक्ट्स मैं खरीद के आप लोगों को उसका रिव्यू देती हूँ। क्योंकि मुझे था कि रीजनेबल सीरीज चला रही हूँ, तो बहुत से लोगों को रीजनेबल अच्छी प्राइस में कम प्राइस में प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए होता है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर उनको ट्राई करूँगी फॉर यू ऑल। तो ये था मेरा आज का रिव्यू, उम्मीद है पसंद आया होगा। टिल देन जब तक मैं अपना दूसरा रिव्यू देती हूँ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।